तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाटा मोटर्स के साथ में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आज के दिन हमें टाटा मोटर्स को लेकर आते हुए देखने को मिल रही है। जैसा कि आपको पता है, दिसंबर मंथ कंप्लीट हो चुका है, 1 जनवरी 2023 यहां पर रनिंग है, और यहां पर कंपनियों ने, ऑटो सेक्टर कंपनियों ने अपने दिसंबर मंथ के सेल्स के नंबर्स को डिक्लेयर कर दिया है। वहीं टाटा मोटर्स ने भी अपने नंबर्स डिक्लेयर कर दिए हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं, दिसंबर 2022 में कंपनी ने 72,997 यूनिट्स को सेल किया है, जो कि अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो लास्ट ईयर कंपनी ने 66,307 यूनिट सेल करी थी। यानी कि ओवरऑल कंपनी की दिसंबर मंथ की परफॉर्मेंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफी अच्छी जंप हमें देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कंपनी ने 40,043 यूनिट सेल करी है, जो कि अगर लास्ट मंथ से कंपेयर करें यानी कि नवंबर महीने में, तो नवंबर महीने में कंपनी ने 35,299 यूनिट सेल करी थी। ओवरऑल मंथ ऑन मंथ बेसिस पर भी टाटा मोटर्स की सेल इंक्रीज हुई है, और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपेयर किया जाए तो वहां पर भी हमें लगभग 13.5% की जंप देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल सेल्स के बारे में, तो कंपनी ने दिसंबर मंथ में 3,868 यूनिट सेल करी है, जो कि लास्ट मंथ में 2,355 यूनिट्स थी। यानी कि इलेक्ट्रिकल पैसेंजर व्हीकल सेल के अंदर भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पर काफ़ी अच्छी जंप है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो यहाँ पर 64% की जंप हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में अभी भी टाटा मोटर्स हमें इंडिया के अंदर लीड करते हुए देखने को मिल रहा है, इसी कारण से ये कंपनी हमें फ्यूचरिस्टिक भी देखने को मिल रही है। सेकेंड अपडेट की बात करें तो टाटा मोटर्स ने फोर्ड का जो प्लांट है सनन के अंदर, उसको जो एक्वायर किया था, जिसके लिए कंपनी ने 750 करोड़ यानी कि अराउंड 728 करोड़ रुपीज़ जो पे किए थे, उसका एक्विजिशन हमें इसी मंथ की 10 तारीख को कंप्लीट होते हुए देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपने टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो कल के दिन ये शेयर्स काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में, जिसका नाम है अडानी पावर लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अडानी पावर के अंदर हमें 1.2% की गिरावट देखने को मिली थी। शेयर अपने इंपोर्टेंट सपोर्ट 300 रुपये पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। बात करें अडानी पावर को लेकर क्या न्यूज निकल कर आ रही है, तो दो बड़ी अपडेट अडानी पावर को लेकर भी देखने को मिल रही है, जिसमें सबसे पहली अपडेट आप देख सकते हैं, अडानी पावर ने जो डीबी पावर को एक्वायर करने के लिए जो डेडलाइन दी थी 31 दिसंबर की, उसे एक्सटेंड कर दिया है। अब ये जो एक्विजिशन है ये हमें 15 जनवरी तक कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेगी। रिसेंटली कल ही के दिन कंपनी ने ये अपडेट डिक्लेयर करी है, जिसके चलते कल के दिन ये शेयर काफी ज्यादा फोकस में रहने वाला है। साथ ही साथ ये जो एक्विजिशन है ये लगभग 7,017 करोड़ रुपए की डील हमें यहां पर कंक्लूड होते हुए देखने को मिलेगी। वही सेकेंड अपडेट की बात करें तो इस बार का जो यहाँ पर सेबी की तरफ से एसएम लिस्ट का सर्कुलर रिलीज किया गया था, उसमें अडानी पावर जो कि एसएम लिस्ट की लॉन्ग टर्म की स्टेज 4 में था, उसे स्टेज 4 से निकालकर स्टेज 3 के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। तो कल के दिन इस शेयर्स के ऊपर आप नजर बनाए रख सकते हैं। हालांकि कंपनी की जो डीबी पावर की जो एक्विजिशन है वो एक्सटेंड हो गई है, जिस कारण से कल के दिन हमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग अगेन अडानी पावर के अंदर देखने को मिल सकती है। अगर बात कर लेते हैं अडानी ग्रुप की एक और कंपनी के बारे में, जिसका नाम है अडानी वेलमार लिमिटेड, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस शेयर के अंदर हमें 2% के अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, और पिछले 5 दिन के अंदर यानी कि लास्ट वीक में इस कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। ऑलमोस्ट 20% के रिटर्न अडानी वेलमार ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। बात करें अडानी वेलमार को लेकर क्या न्यूज निकल कर आ रही है, तो यहां पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि अडानी वेलमार की जो प्राइजेज हैं, जो इनके प्रोडक्ट की प्राइजेज है, वो अब स्टेबल मोड पर देखने को मिल रही है, जिस कारण से जो कंजम्पशन से उसमें डिमांड देखने को मिल सकती है, एक राइज देखने को मिल सकता है, जो कि अडानी वेलमार के लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। लेकिन इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है कि 1 जनवरी के दिन जो इंडोनेशिया की तरफ से पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स को लेकर रिपोर्ट निकल कर आती है, अब उसमें हमें और थोड़ी सी पॉलिसी टाइट होते हुए देखने को मिल सकती है, जो कि एक नेगेटिव ट्रिगर एफएमसीजी सेक्टर कंपनियों के लिए जो कि पाम ऑयल में डील करते हैं, उनके लिए देखने को मिल सकता है। तो अडानी वेलमार के अंदर भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो शॉर्ट टर्म में यहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में भी सोच सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में, जिसका नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस शेयर के अंदर कोई बड़े मूवमेंट तो देखने को नहीं मिले, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो CDSL ने जितने डीमेट्स अकाउंट ओपन किए हैं दिसंबर मंथ के अंदर, उसके नंबर्स कल के दिन हमें ओपन मार्केट में रिलीज होते हुए देखने को मिल सकते हैं, जिस कारण से कल के दिन ये शेयर्स हमें अगेन फोकस में देखने को मिल सकता है। तो इस शेयर्स के ऊपर भी आप नज़र बनाए रख सकते हैं।
अगर आपने पोजीशंस बना रखी है तो होल्ड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में, जिसका नाम है विष्णु केमिकल्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, एक केमिकल सेक्टर की कंपनी जो कि अपने शेयर होल्डर्स को इस नए साल में स्प्लिट देने जा रही है। कंपनी ने स्प्लिट की एक्स डेट 13 जनवरी 2023 डिक्लेयर करी है। 1:5 के रेशो का स्प्लिट हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि हर एक शेयर के बदले 5 शेयर कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को देगी। यदि आप यहां पर खरीदारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली शेयर्स के ऊपर नजर बनाए रख सकते हैं और कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद में यहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में, जिसका नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस शेयर के अंदर हमें 4.5% की तेजी देखने को मिल रही है और सुजलॉन का जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है 10 रुपए का, वो रेजिस्टेंस पर शेयर अभी भी हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने सुजलॉन एनर्जी के शेयर होल्डर्स के लिए काफी अच्छे रहे। अप एंड डाउन जरूर देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल अगर आपने अपनी पोजिशंस को होल्ड कराए तो अभी भी लगभग 70% के प्रॉफिट में इन्वेस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट टर्म पर्पज से पोजीशंस बनाई थी तो 10 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में, जिसका नाम है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड। जहां पर आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.3% की, यानी कि ऑलमोस्ट 11.80 रुपए की तेजी आपको शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। बात करें शेयर्स को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो रिसेंटली कंपनी ने 300 करोड़ रुपए के असाइनमेंट को साइन किया है, जिस कारण से कल के दिन ये शेयर्स अगेन हमें काफी अच्छे से फोकस में रहते हुए देखने को मिल सकता है। बात करें नेक्स्ट शेयर के बारे में, जिसका नाम है 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। जहां पर कंटिन्यूसली हमें शेयर्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन रिसेंटली कंपनी को एक लार्ज ऑर्डर हाथ लगा है, जिस कारण से कल के दिन यानी कि मंडे के दिन इस शेयर्स के अंदर भी कुछ बड़े मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। 63 मून्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अंदर 145 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए 180 रुपए तक के शॉर्ट टर्म टारगेट आप यहां पर लेकर चल सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में, जिसका नाम है रेलिगेयर इंटरप्राइजेस लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में शेयर्स के अंदर कोई बड़े मूवमेंट तो देखने को नहीं मिले, लेकिन इस कंपनी को लेकर एक बड़ी अपडेट जरूर देखने को मिल रही है। रेलिगेयर फिनवेस्ट लेंडर्स टू टेक 57% हेयर कट एज दे अप्रूव 2300 करोड़। तो यहाँ पर 2300 करोड़ रुपए के लेकर यहाँ पर अप्रूवल हमें शेयर होल्डर्स की तरफ से देखने को मिल रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। तो ये न्यूज़ के बाद में कल के रेलिगेयर का शेयर भी हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहते हुए देखने को मिल सकता है। तो यदि आपने यहाँ पर भी खरीदारी कर रखी है तो यहाँ पर भी आप कल नज़र बनाए रख सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में, जिसका नाम है NMDC लिमिटेड। NMDC लिमिटेड की अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो जिसने भी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था वो अभी भी यहाँ पर लॉस में देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ एक और नेगेटिव न्यूज़ हमें यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रही है कि LIC का जो NMDC लिमिटेड के अंदर स्टेक था ऑलमोस्ट 15% का, वो अब हमें लगभग 2% से रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि दिसंबर के अंदर NMDC लिमिटेड में LIC ने लगभग 2% स्टेक को ट्रिम किया है, जिस कारण से कल के दिन भी शेयर्स के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3.7% की एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन रिसेंटली न्यूज निकल कर आ रही है कि REC लिमिटेड की जो सब्सिडरी कंपनी है उसको अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया है, जिस कारण से कल के दिन अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का शेयर काफी ज्यादा लाइट में रहने वाला है। तो यदि आपने पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो इनसे रिलेटेड जो बिग अपडेट्स आज के दिन देखने को मिल रही है, जिससे कल के दिन ये शेयर्स काफी ज्यादा फोकस में रहते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो कल के दिन आप इन शेयर्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करते हुए इन पर नजर बनाए रख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।